हेलो बच्चों, मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। कैसे हैं आप लोग? पीजीटी केमिस्ट्री का बेटा फॉर्म आ गया, आपने फिल कर दिया होगा उम्मीद करते हैं। यदि अभी आपने नहीं फिल किया बेटा तो जल्दी से फिल कर दिए, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, साइट ठीक नहीं चलती है तो फॉर्म फिल करने में दिक्कत होती है। और अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एग्जाम के जो पॉसिबिलिटी है वही है कि 3 से 4 महीने हो जाएगा। तो 3 से 4 महीने आपके लिए ज़्यादा नहीं है, तो मतलब कम नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि आपको बार बार तैयारी करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। और उससे बड़ी बात यह कि पीजीटी एग्जाम में स्पीड का भी बहुत महत्व है, क्योंकि 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करने हैं। तो यानी देखा जाए तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट से भी कम मिलेगा, और करने नहीं है, बबल्स भी भरने हैं, कुछ एंट्रीज भी आपको करनी होती है, तो आपको 2 ही घंटे का समय मिलेगा। तो उसके लिए क्या है, आपको तैयारी अच्छी होनी चाहिए, रिविजन अच्छा होना चाहिए, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इसी के लेकर जो केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहा है टेस्ट सीरीज, जो स्टार्ट होगी बेटा, क्या स्टार्ट होगी टेस्ट सीरीज आपकी 3 जुलाई से। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 16 टेस्ट है, कंप्लीट सिलेबस को हमने कंप्रेस करके बनाया है। तो जो 16 टेस्ट होने हैं उसमें पहला टेस्ट जो होगा वह 3 जुलाई को होगा, और लास्ट टेस्ट जो होगा वो 16 अक्टूबर को होगा। इसके मतलब आपका जो टेस्ट सीरीज है वो 3 जुलाई से लेकर 16 अक्टूबर तक चलेगी, हर संडे को होगी। संडे के दिन क्या आता है, थोड़ा टाइम आपके पास सफिशियंट रहता है। तो आप और उस टेस्ट सीरीज में मेरा जो बेनिफिट क्या है, टेस्ट सीरीज आपकी ऑनलाइन होगी, और उसमें जो एग्जाम देने का तरीका क्या है कि आपको मैं जो है संडे को सुबह 6 बजे से लेकर मंडे को मॉर्निंग में 7 बजे तक टोटल 24 घंटे आपको मिलेंगे। उसमें से कोई आपको 2 घंटे स्लॉट लेना है, ताकि आप इजीली अपना रिवीजन करके दे सकें स्लॉट। सिलेबस उसका तैयार कर लिया मैंने, आपको यदि फर्दर डिटेल चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 7905544237, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8799506351। तो उसमें टेस्ट सीरीज में टोटल बढ़ गया 16 टेस्ट बताया आपको मैंने, उसमें टेस्ट के हिसाब से बांटे मैंने, 8 यूनिट टेस्ट है, यानी कंप्लीट सिलेबस को हमने 8 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो 8 यूनिट टेस्ट होंगे, इसमें क्या होगा पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ये आपका 8 यूनिट टेस्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो कंप्लीट सिलेबस उसको मैंने फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो आपके 4 माइनर टेस्ट होंगे, यानी 8 यूनिट टेस्ट उसके बाद 4 माइनर टेस्ट, और फाइनली आपका लास्ट में आपका 4 मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट में क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा उसका, सिलेबस पूरा पीजी का सिलेबस है, उन पूरे सिलेबस से पेपर आएगा। टोटल आपको 16 टेस्ट देने हैं, तो टेस्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7905544237 और 8799506351। तैयारी अच्छे से करिए बेटा, सीट पर मत देखिए कि सीट बहुत कम है, क्योंकि यदि आपका तैयारी अच्छा है और प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आपका 1 सीट पर भी हो जाएगा। यदि तैयारी अच्छी नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो कितनी भी सीट हो, सिलेक्शन हमेशा आपको 1 सीट पर लेना होता है। तो नंबर ऑफ सीट पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अच्छे से स्कोर करिए, क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि आप अच्छा अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी है। नेगेटिव मार्किंग ना होने से क्या होता है कि बच्चा क्वेश्चन को बहुत लाइट वे में लेता है, तो लाइट वे में लेने का नुकसान ये होता है कि क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड बनानी है। प्रैक्टिस जब घर में आप कर रहे हैं बेटा, उसका तरीका ये है कि आप क्या करिए, ओमर शीट जो है नेट पर अवेलेबल है, आप उसका प्रिंट आउट निकला दीजिए, फिर उसकी फोटो कॉपी करा लीजिए। जब भी आपने तैयारी क्वेश्चन पर आपने पढ़ लिया, तो करिए क्या, क्वेश्चन 125 क्वेश्चन आप डिसाइड कर लिए, आपके पास बुक्स होंगी, प्रैक्टिस की बुक रहती है, 125 क्वेश्चन डिसाइड कर लीजिए, उसको मार कर लीजिए पेन से, और टाइम सेट करिए टाइमर, और 2 घंटे में क्वेश्चन करिए भी, उसको बबल्स भी भरिए, उसके बाद आप आंसर चेक करिए कि आप क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन सही से पढ़, फिर अपनी गलती सेल्फ एवेल्युएशन करिए, और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। सेल्फ एवेल्युएशन से क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आपको जो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है वो भी पहले से भी आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वहाँ आपको बेनिफिट होगा। वरना बच्चे बोलते सर सिली मिस्टेक हो गया, बबल्स भरने में गलती हो गई, या फिर आपका सर मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया, मुझे वो नॉट नहीं दिखाई दिया, ऑल ऑफ दीज नहीं दिखाई दिया, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, थोड़ा प्रेशर की वजह से समझ में नहीं आती। तो ये सबकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम प्रिपरेशन का भी है और प्रैक्टिस का भी है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जिसके पास हो सिलेक्शन उसे मिलेगा। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी लग जाइए, रेगुलर पढ़ाई करिए, जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं उतना पढ़िए, एक और थोड़े दिन बाद अपना रिवीजन का टाइम निकाल लीजिए, सिस्टमैटिक वे से पढ़ाई भी करिए, सिस्टमैटिक वे से रिवीजन करिए। हर हफ्ते का अपना प्लान बनाइए, मुझे इस हफ्ते में इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से रिवीजन करना है, तो हर हफ्ते का प्लान बनाएंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा सिलेबस काफ़ी तक कवर हो गया, तैयारी मेरी अच्छी चल रही है। टेस्ट सीरीज यदि आपने ज्वाइन कहीं कर रखी है, या फिर खुद से सिलेबस जो भी आपको अच्छा लगे, तो उससे आपका क्या होगा, बूस्टअप भी होगा और तैयारी आपकी अच्छी चलेगी। तो सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि आप अच्छा रिविजन करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और आपको एग्जाम के लिए अभी से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहें। कोई समस्या होती तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7905544237 और 8799506351। थैंक यू।